Good morning, student. Today I am going to talk one of the topic of pair of linear equation, in which we talk about the application based question on number and two digit number. In previous lecture I discussed the application based question on number. In that lecture I discussed how we deal with the number, कैसे हम क्या करते हैं किसी number के application based question को deal करते थे. उसी में से दूसरा concept यहाँ पे है, वहाँ क्या था, number पे था. उसी में आज हम जो discuss करने वाले हैं, number किस type का आज discuss करेंगे, fractional part का कर रहे हैं, fraction का, और किसका करेंगे, टू डिजिट नंबर का. फ्रैक्शन में इसमें देखो एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हो ध्यान से. देखो मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना. दिया क्या क्वेश्चन, द सम ऑफ नंबर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन. द सम ऑफ किसका सम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हमें पता है कि जो फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्म में लिखा होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा होता है. और पी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और क्यों को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. और कंडीशन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, होल होते हैं, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है. तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते थे, फ्रैक्शन कहते थे. अब उसी का बेस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. कह रहा कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है, इज थ्री लेस है देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. किससे लेस है, ट्वाइस द डिनोमिनेटर से लेस है. इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय वन, अगर उनको डिक्रीज कर देते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिक्रीज कर रहे हैं, वन से डिक्रीज कर रहे हैं, देन द न्यूमरेटर बिकम, न्यूमरेटर क्या हो जाता है, बिकम हाफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. ठीक, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे किसको, इसका सोल्यूशन करते हैं अगर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी ऑफ ए फ्रैक्शन वी, एक को x मानते हैं दूसरा क्या y, रेस्पेक्टिवली. हमने दोनों एक साथ अज्यूम कर लिए रेस्पेक्टिवली. ठीक, अज्यूम कर लिए. अब अज्यूम किए, किसको अज्यूम किए हो, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. तुरंत अज्यूम करने के बाद तुरंत आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या होगा. देन द फ्रैक्शन इज, न्यूमरेटर को क्या मैंने एन बाई डी फॉर्म में लिखा जाता है, न्यूमरेटर हमने क्या सपोज किया है, एक्स सपोज किया है, डिनोमिनेटर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपान वाई, मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन बना वो क्या हो गया, एक्स अपान वाई हो गया. अब आ जाओ केस फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो. केस फर्स्ट कह रहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसका सम, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का, ये क्या है, थ्री है, थ्री लेस है, किससे लेस है, देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यही कह रहा है, जो डिनोमिनेटर से. अब कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमने क्या अज्यूम किया है, एक्स है, डिनोमिनेटर क्या अज्यूम किया है, वाई है. अब कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है, थ्री लेस है, किससे थ्री लेस है, थ्री लेस मीन्स थ्री रिड्यूस हो रहा है, किससे, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू टाइम, किससे टू टाइम है,
डिनोमिनेटर से, मतलब ये जो वैल्यू होगा एन प्लस डी क्या होगा, ट्वाइस द डिनोमिनेटर से कितना लेस है, थ्री लेस है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज थ्री लेस, थ्री लेस है किससे, ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द डिनोमिनेटर मीन्स टू इंटू वाई माइनस थ्री। इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो व्हाट वी गेट हियर, एक्स ये ट्रांसपोज होके आएगा वाई माइनस टू वाई, क्या बनेगा, नेगेटिव वाई इज इक्वल टू नेगेटिव थ्री। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसे फर्स्ट कंसीडर करते हैं। नाउ कम टू द केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई वन, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई वन, वन से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन क्या हो रहा है, न्यूमरेटर बिकम हाफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, क्या हो रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई, न्यूमरेटर क्या है यक्स, डिनोमिनेटर क्या है यक्स है, डिनोमिनेटर क्या है वाई है। अब कह रहा है कि ये जो न्यूमरेटर है ये डिक्रीज हो रहा है किससे, यक्स माइनस वन से डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है कितना, पहले वाई थे, वाई से क्या डिक्रीज होके हो गया, वाई माइनस वन हो गया। अब ये एक्स माइनस वन वाई माइनस वन ये क्या हो रहे है? मीन्स ये न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर बिकम हाफ ऑफ डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है वो क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है एक्स माइनस वन है ये क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है किससे, वाई माइनस वन से। तो इक्वेशन क्या बनेगा, न्यूमरेटर इज हाफ ऑफ डिनोमिनेटर, यही हो जा रहा है इस केस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाई माइनस वन। कोई कंफ्यूजन, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू टाइम ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन होगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको यहाँ कर लिया है, टू एक्स नेगेटिव टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन, मीन्स टू से एक बार एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक बार टू नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स टू एक्स, टू इंटू नेगेटिव वन नेगेटिव टू। अब ट्रांसपोज करते हैं तो मिलेगा क्या, टू एक्स वाई इधर ट्रांसपोज होके आएगा नेगेटिव वाई हो जाएगा, नेगेटिव टू इधर ट्रांसपोज होके आ जाएगा नेगेटिव वन नेगेटिव टू, हाँ पॉजिटिव टू, ये नेगेटिव ज़्यादा तो पॉजिटिव टू हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव थ्री है, यहाँ क्या है, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव इक्वल टू वन है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट कह सकते हो बाय, या एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अडॉप्ट कर सकते हो। तो जल्दी से करने के लिए हम एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम वेरिएबल वाई को एलिमिनेट कर रहे हैं, किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, वेरिएबल वाई को, क्योंकि यहाँ पे देखो वाई का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव वन है, यहाँ पे भी देखो वाई का कोफिशिएंट कितना है, नेगेटिव वन है, और दोनों नेगेटिव नेगेटिव में हैं, तो हम दोनों के साथ ऑपरेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड वी गेट फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से माइनस करते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या है, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन है, इस इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस कर रहे हैं, कॉलम वाइज हम इसको पुट कर रहे हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
नेगेटिव 3। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट साइन लगाएंगे। तो बताया था जब सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं जो सब्ट्रैक्टेंट पार्ट होता है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ क्या है, प्लस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या है, नेगेटिव वाई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। ये पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3 हो जाएगा। साइन चेंज हो गए। अब देखो 2x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, x। इस साइन की कोई वैल्यू अब नहीं रहेगी जब सब्ट्रैक्ट का साइन लग गया। तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नेगेटिव वाई प्लस वाई ये दोनों कैंसिल होके क्या मिलेंगे, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4। 1 प्लस 3 ये पॉजिटिव हो गया ना, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको क्या मिला सॉल्व करने पे, x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 4। नाउ सबपुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए फर्स्ट या सेकेंड। चलिए फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी गेट आपको क्या मिलता है, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव 3। एक्स की प्लेस पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 को सब्स्टिट्यूट किया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये इधर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। मीन्स इसे रीऑर्डर में करें तो वाई इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, 10 हमें x मिल गया, y मिल गया, मीन्स देन फ्रैक्शन क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन क्या होगा, x अपान y, यही की माना है ना। तो x क्या आया आपका, 4 आ गया, y कितना आ गया, 7 आ गया। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन डिस्प्ले ऑन द योर स्क्रीन एंड आशा करते हैं सभी कर चुके होंगे। नाउ बैक कम बैक टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम कैसे टू डिजिट नंबर फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल देखो, 34 लिखते हैं तो ये कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो आप अगर थर्ड फोर्थ में ध्यान से देखा होगा तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म वहाँ पे बताया जाता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स ये क्या है, ये वंस प्लेस पे, ये क्या है टेंस प्लेस पे है। तो इसकी ये 30 प्लस ये क्या लिख रहे होते हैं, 4। या एक और फॉर्म आपने सीखा होगा, प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू के साथ क्या किया गया हो, मल्टीप्लाई किया गया होगा इस तरीके से, 3 × 10 प्लस 4 × 1। यहाँ देखो 3 क्या फेस वैल्यू ऑफ टेंस प्लेस है और 4 क्या है फेस वैल्यू ऑफ वंस प्लेस है, और प्लेस वैल्यू क्या है 3 का तो 10 है और इस वंस का कितना है 1 है। इसी तरीके जैसे क्या हमें 34 तो 3 × 10 प्लस क्या हो रहा है 4 × 1, मतलब गिवन नंबर को हम क्या कर रहे हैं उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है एक रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जा रहा है फॉर्म हो जाता है। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं इसका, बताओ क्या बनेगा नंबर, अगर वंस पे हम क्या रख दे रहे हैं, एक्स डिजिट रख रहे हैं और टेंस प्लेस पे वाई डिजिट रख रहे हैं, तो नंबर क्या बनेगा, वंस प्लेस पे डिजिट क्या है एक्स है, टेंस प्लेस पे डिजिट क्या है वाई है, तो नंबर क्या बनेगा, इसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू 10 और वंस पे क्या है प्लस एक्स इंटू 1, तो क्या हो गया 10y प्लस एक्स इंटू 1x, नंबर क्या बन गया 10y प्लस एक्स हो गया। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल और करो, अगर वंस पे आपका क्या है m है, टेंस पे क्या है 2m, तो नंबर क्या होगा, डिजिट बता रही है, डिजिट क्या है 2m है, किस
टेंस की प्लेस पे, वंस की प्लेस पे डिजिट क्या है? यम है, तो नंबर क्या होगा? प्लेस वैल्यू के साथ करें, टू यम इंटू क्या करोगे? टेन करोगे, प्लस यम इंटू क्या करोगे? वन, तो नंबर क्या बनेगा? ट्वेंटी यम प्लस यम, दैट इज 21 यम। कोई कन्फ्यूजन? नंबर फॉर्म कर ले जाओगे? चलो कर ले जाओगे, तो आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है? द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, जो टू डिजिट नंबर होते हैं उनके डिजिट का सम। टू डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट करता है? वाई नंबर सिस्टम में कहां से स्टार्ट होता है? कहां से? 10 से लेकर के कहां तक? 99 तक जो डिजिट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? टू डिजिट नंबर होते हैं। अब कह रहा है कि इनके डिजिट का, इसलिए 99 के डिजिट कौन कौन से हैं? 9 है और ये 9 है। 84 के डिजिट कौन से हैं? 4 हैं और 8 हैं। 84 नंबर में डिजिट कौन से हैं? एक 4 डिजिट है और दूसरा कौन है? 8 है। तो इसमें क्या कह रहा है? द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, जो टू डिजिट नंबर है उनके डिजिट का सम इज 12। वो क्या है? 12 है। दूसरा, द नंबर ऑब्टेंड बाई इंटरचेंजिंग द टू डिजिट, द नंबर ऑब्टेंड बाई इंटरचेंजिंग द टू डिजिट, टू डिजिट नंबर के क्या अगर पोजीशन को चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कोई नंबर है वंस पे हम था 4 और टेंस पे क्या था? टेंस प्लेस पे डिजिट क्या था? 6। अब कह रहा है कि डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा? मीन्स वंस के जो पे प्लेस पे जो था डिजिट उसे टेंस प्लेस पे रख दें, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट था वो किस पे रख दें? वंस प्लेस पे रख दें, तो नंबर क्या बनेगा? 46 बनेगा। तो यही कह रहा है कि नंबर, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट, द टू डिजिट नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। जो टू डिजिट नंबर अब फॉर्म हो रहा है वो एक्सीड है, बड़ा है किससे? गिवन नंबर, जो पहले वाले नंबर से कितना? 18 से बड़ा है। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे? अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे? किसको लेट करेंगे? किसको? डिजिट को कंसीडर करेंगे कि वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है और टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ये इसमें कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई ऑफ टू डिजिट नंबर। ठीक, हमने कंसीडर किया कि वंस प्लेस पे क्या है? एक्स है, और टेंस प्लेस पे क्या है? वाई है। तो किसी दो डिजिट नंबर पर जब ये कंसीडर करते हैं तुरंत उसकी करिस्पॉन्डिंग हम नंबर फॉर्म करते हैं, तो जो नंबर फॉर्म होता है उसे हम ओरिजिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल नंबर, जो अज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसे जो नंबर बोलते हैं, दैट इज नोन एज ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे हमने सपोज किया क्या है, वंस पे क्या है और टेंस पे, वंस पे क्या अज्यूम किए? एक्स है, और टेंस प्लेस पे क्या अज्यूम किए? वाई है। तो नंबर क्या बनेगा? 10 इंटू वाई, इसके प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है, इसके प्लेस वैल्यू 1 है। तो ये टेंस प्लेस पे है तो क्या हो जाएगा? वाई इंटू 10 और एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1, तो क्या हो गया नंबर 10y क्या बना? प्लस एक्स फॉर्म हुआ। ठीक, कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि अब सेकंड, यहाँ पे रिवर्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, इंटरचेंजिंग का है। जब इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट हो तो याद रखना रिवर्स नंबर की बात करते हैं। किसको बात करते हैं? रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर कौन सा बना, कैसे फॉर्म होता है? When digit interchange their places, अगर इनके डिजिट क्या करें, अपने प्लेस को इंटरचेंज कर दें, तब हमें जो नंबर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं रिवर्स नंबर। मीन्स अब यहाँ पे देखो वंस पे क्या है,
वंस पे यहाँ एक्स था, अब यहाँ क्या हो जाए, वंस पे क्या आ गया, वाई आ गया, और टेंस पे क्या हो गया, एक्स आ गया। ठीक, अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1, तो नंबर क्या बनेगा, एक्स इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, यही तो बनेगा। एक्स टेंस प्लेस पे था तो इसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और वाई वंस प्लेस पे था तो वाई इंटू 1 हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमें जो मिला, जो रिवर्स नंबर मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई हो गया ये। ठीक है, जब आप इतना प्रोसेस करेंगे, देखो हाफ मार्क्स अजम्पशन पे मिलता है, हाफ मार्क्स ओरिजिनल नंबर पे मिल जाएगा, हाफ मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो हाफ हाफ यहाँ पे डिवाइड हो गया, आप ये सब सही लिखे हैं, तो मैं हाफ मार्क्स इस पे, हाफ मार्क्स इस पे, और हाफ मार्क्स इस पे आपको क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे। नाउ अब आ जाओ केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट ध्यान से देखो, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं उनके डिजिट का सम हमने क्या वंस पे माना एक्स और टेंस पे वाई है, जो डिजिट वंस पे क्या है एक्स है और टेंस पे क्या है डिजिट वाई है, तो इनका सम दिया है, मीन्स क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 12 है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड देखो क्या कह रहा है, ठीक सेकेंड केस कह रहा है, द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो कौन सा नंबर ऑब्टेंड होता है इंटरचेंज करने पे, रिवर्स नंबर फॉर्म होता है, कौन सा नंबर, कौन सा नंबर फॉर्म होता है, रिवर्स नंबर ना, रिवर्स नंबर फॉर्म होता है ना। अब ये रिवर्स नंबर क्या होता है, बड़ा है, एक्सीड मींस बड़ा है, किससे, गिवन नंबर, गिवन मतलब किससे, ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, कितना बड़ा बाई 18, 18 बाई मतलब यहाँ क्या है, यहाँ बाई मतलब मल्टीप्लाई नहीं हुआ, बाई मतलब यहाँ पे एडिशन हुआ, कितना बड़ा है 18 से बड़ा है, ये ध्यान रखना हर जगह बाई मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ बाई मीन्स क्या हो रहा है, ओरिजिनल नंबर से बाई 18, मतलब बाई किसके सेंस में है, यहाँ पे एक्सीड के सेंस में, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, मीन्स क्या हो गया, जो रिवर्स नंबर है, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ओरिजिनल नंबर प्लस 18, यही हो रहा है। चलो इसको रखते हैं, रिवर्स नंबर हमने क्या फॉर्म किया, 10x प्लस वाई फॉर्म किया, ये क्या हो रहा है, ओरिजिनल नंबर से मीन्स 10y प्लस x से कितना 18 है, ग्रेटर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज कर दें, 10x माइनस प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, वाई कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 18 फॉर्म होगा। अब वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसपोज होगा, 18/9 होगा, दैट इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एक इक्वेशन आपको मिला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिला एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लो, किस मेथड से सॉल्व करोगे, तीनों में से कोई अडॉप्ट कर सकते हो, सब्टिशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम देखो यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, मींस एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, क्यों कर रहे हैं, यहाँ देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, यहाँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 12 है, अगर यहाँ देखो एक्स एक्स दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ देखो पॉजिटिव 1 है, यहाँ क्या है, नेगेटिव 1 है वाई का कोफिशियंट, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि कोफिशियंट सेम है, और ऐड करने पे हमें क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव या नेगेटिव वाई वेरिएबल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट होके क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं, वी गेट यह एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस एक्स ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होता है। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स, वाई निगेटिव वाई 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड हो गई, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फुटिंग करते हैं, फुटिंग एक्स इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी एक इक्वेशन में कर देते हैं, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 7 प्लस y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो 10 नंबर क्या होगा एज पर अजम्पशन, हमने अजीम जो किया था उसके अकॉर्डिंग। वंस पे क्या माना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें ओरिजिनल नंबर पे, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, क्या है 10y प्लस x है, मीन्स 10 इंटू 5 प्लस x क्या है 7, क्या हो जाएगा 50 प्लस 7, दैट इज 57। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है आपको, पेपर में जरूर मिलते हैं। इस चैप्टर से जितने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं उस सभी एप्लीकेशन बेस्ड में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया किस किस कॉन्सेप्ट को, एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ टू डिजिट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ टू डिजिट नंबर। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन एज डिस्प्ले ऑन योर बोर्ड।